तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर फिर मचा कलेश। प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ जेठालाल दिलीप जोशी का हुआ तगड़ा झगड़ा। एक्टर प्रोड्यूसर के बीच आई हाथापाई की नौबत। दिलीप जोशी ने दी शो छोड़ने की धमकी। जी हाँ, बीते 16 साल से दर्शकों में हंसी की डोज बांटने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से वो खबर आई है जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शो के लीड स्टार दिलीप जोशी और प्रोड्यूसर असित मोदी के बीच हाल ही में भयंकर झगड़ा हो गया था। बात इस कदर बिगड़ी कि हाथापाई की नौबत आ गई, यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़ लिए। तो वहीं दिलीप जोशी ने असित मोदी को शो छोड़ने की धमकी भी दे दी। ये मामला अगस्त का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच झगड़ा फीस बढ़ाने या फिर पैसों के लिए नहीं बल्कि लीव के लिए हुआ। शो से जुड़े एक करीबी शख्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि दिलीप जोशी लंबे वक्त से छुट्टियों पर जाना चाहते थे, लेकिन असित मोदी बार बार उनकी बात को टाल रहे थे, जिसके चलते दोनों के बीच बहस हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि असित मोदी ने दिलीप जोशी का कॉलर तक पकड़ लिया था, जिसके बाद दिलीप जोशी इस कदर खफा हुए कि उन्होंने असित मोदी को शो छोड़ने की धमकी भी दे दी। हालांकि बाद में असित मोदी ने किसी तरह से दिलीप जोशी को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। जेठालाल यानी दिलीप जोशी और शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के बीच हुए झगड़े की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। तो पहले से ही कई विवादों और आरोपों का सामना कर रहे असित मोदी एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होने लगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर दिलीप जोशी ने चुप्पी तोड़ी है। दिलीप ने असित मोदी के साथ हुए झगड़े की खबरों को गलत बताया है। दिलीप का कहना है कि असित मोदी के साथ उनका कोई विवाद नहीं हुआ था। ये सारी खबरें शो से जलने वाले लोगों ने शो और असित मोदी के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई हैं। दिलीप जोशी के मुताबिक, मैं बस चारों ओर चल रही इन सभी अफवाहों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे और असित भाई के बारे में मीडिया में कुछ कहानियां आई हैं जो पूरी तरीके से झूठी हैं, और ऐसी बातें कहते हुए देखकर मुझे वास्तव में दुख होता है। इसके आगे दिलीप ने कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो मेरे और लाखों फैंस के लिए बहुत मायने रखता है, और जब लोग आधारहीन अफवाहें फैलाते हैं तो ये न केवल हमें बल्कि हमारे वफादार दर्शकों को भी आहत करता है। किसी चीज के बारे में नकारात्मक फैलाते हुए देखना निराशाजनक है। इसने इतने सालों तक बहुत से लोगों को बहुत खुशी दी है। यानी दिलीप जोशी ने असित मोदी के साथ हुए तगड़े झगड़े की खबरों से साफ इनकार कर दिया है, जबकि शो से जुड़े उस करीबी शख्स का दावा है कि दिलीप और असित मोदी के बीच इससे पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। हर बार असित मोदी दिलीप जोशी को समझा बुझा कर शांत करवा देते हैं। अब असल सच क्या है ये तो दिलीप जोशी और असित मोदी ही बेहतर बता सकते हैं। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बीते 16 साल से टीवी दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। हालांकि शो की टीम के कई स्टार्स इस शो को पहले ही छोड़ चुके हैं। जेनिफर मिस्त्री और पलक सिद्धवानी समेत कई स्टार्स असित मोदी पर मेंटल टॉर्चर करने जैसे संगीन आरोप लगा चुके हैं। रिपोर्ट E24।